लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन ए दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज इफ एट सम टाइम ऑफ डे द रेशो ऑफ द हाइट हमें रेशो दे रखे किसी दिन उन्होंने कहा रेशो जो है हाइट ऑफ अ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल ऑफ द लेंथ टू इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज वो कह रहा है कि किसी दिन वर्टिकल पोल की शेडो जो है ग्राउंड पर वो जो है उसकी रेशियो जो है वो कितनी आ रही है दैट इज रूट थ्री इज टू वन है वर्टिकली स्टैंडिंग पोल और लेंथ ऑफ इट शेडो वर्टिकली स्टैंडिंग पोल तो ये हाइट भी कह सकते हैं पोल की या वर्टिकली स्टैंडिंग पोल भी कह सकते हैं तो वर्टिकली स्टैंडिंग पोल अपॉन लेंथ ऑफ शेडो लेंथ ऑफ शेडो जो कि ग्राउंड पे बन रही है राइट right? पोले खड़ा हुआ है उसकी शेडो ग्राउंड पे बन रही है उसकी रेशो दे रखी है रूट थ्री अपॉन वन दे रखी है राइट right? ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल निकालना है हैं हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऐट दैट टाइम हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किसका देखिए ये यहाँ पे सन है तो यहाँ पे एंगल ऑफ़ एलिवेशन निकालना है तो मतलब यहाँ से ग्राउंड से जहाँ शेडो पड़ी है वहाँ से सन तक का एलिवेशन निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे उसके लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है तो ये एंगल निकालना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं लेट द एंगल ऑफ elevation b elevation from ground जो कि ground पे से है वो क्या है b theta theta मानते हैं angle को तो theta मान लिया आप x degree y degree कुछ भी मान सकते हैं इसको मैं naming कर रही हूँ a b and c अब देखिए vertically standing pole ये pole है राइट right? और ये इसकी शेडो है लेंथ ऑफ द शेडो तो वर्टिकली स्टैंडिंग पोल अगर रूट थ्री है तो लेंथ ऑफ द शेडो कितनी है वन है तो ये अगर हमारी इफ हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ पोल कितनी निकल गई हमारी हाइट ऑफ पोल आ गई हमारी रूट थ्री और लेंथ ऑफ शेडो कितनी है लेंथ ऑफ शेडो इक्वल्स टू वन है देखिए मैंने कुछ नहीं किया है वर्टिकली स्टैंडिंग पोल की रेशियो ये दे रखी थी और लेंथ की वैल्यू ये दे रखी थी वही बताई है मैंने कि वर्टिकली स्टैंडिंग पोल मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोल खड़ा हुआ है वो हाइट भी कह सकते हैं तो मैंने हाइट ऑफ पोल लिख दिया है उसको रूट थ्री दे रखी है और ये जो शेडो की लेंथ दे रखी है वो वन दे रखी है यहाँ पे भी देख सकती हूँ रूट थ्री एंड वन अब जब पपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हम टेन का फॉर्मूला लगाते हैं तो टेन थीटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती थी दैट इज़ पर पेंडिकुलर है हमारा बी और बेस है हमारा ए बी राइट अब टेन थीटा कितना आया टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी है रूट थ्री और ए बी है वन तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए यहीं साइड में लिख रही हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री भी लिख सकते हैं अब टेबल याद करें तो टेन थीटा की वैल्यू कब रूट थ्री होती थी थीटा कब रूट थ्री होता था जब थीटा टेन थीटा टेन सिक्सटी डिग्री होता था तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ सिक्सटी डिग्री आ गया हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री क्योंकि 60 डिग्री पे ही टेन 60 डिग्री ही रूट थ्री आता था इसलिए आंसर